हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। मेरा नाम है रमनदीप सिंह और आज मैं शेयर करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसमें हम शेयर करेंगे कि SBI PO मेंस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है SA के, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और SA के, और उसमें क्या क्या लिखना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए लिखते समय। तो आज हम वो सब आपके साथ शेयर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम है रमनदीप सिंह एंड मैं बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम पर पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। और ये नीचे अगर राइट साइड पे आप देखेंगे, ये हूँ मैं, हाय। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि मैं और भी अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए बना पाऊँ। तो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास वो है इम्पैक्ट ऑफ GST इन इंडिया। ये पहला टॉपिक है और एक्चुअली ये दूसरा टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन का, ये पहला टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ GST इन इंडिया। आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की आप अगर न्यूज़पेपर देखेंगे तो पहला जो टॉपिक है, जो हेडलाइंस है न्यूज़पेपर की, वो GST के बारे में है। कौन कौन से चीज़ों पर टैक्स बढ़ गया है, कौन कौन से चीज़ों पर टैक्स घट गया है, ये आपको देखना पड़ेगा कि 80-90% ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं जो उस पर जो टैक्स है वो कैलकुलेट, वो पहले डिटरमाइन किया जा चुका है। कुछ एक चीज़ों पे, सोने पे या गोल्ड पे, इन पे अभी बुलियन जैसे कहते हैं, अभी टैक्स डिटरमाइन होना बाकी है। तो अगर आपको GST के बारे में पूछा जाता है तो आप क्या लिखेंगे, मतलब सबसे पहले आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे क्या लिखना है आपको? तो एक सिंपल मैं आपको चीज़ बताता हूँ, कोई भी ऐसे आपने लिखना है, स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन से। दो टाइप के ऐसे आते हैं, एक जनरल और एक टेक्निकल। GST थोड़ा सा टेक्निकल आ जाता है, डीमोनेटाइजेशन भी थोड़ा टेक्निकल आ जाता है। डू यू थिंक RTI इज रिमूविंग करप्शन इंडिया, ये एक जनरल टॉपिक है। रेस ऑफ मेकिंग न्यूक्लियर वेपन, ये भी एक काइंड ऑफ जनरल टॉपिक है। वाई प्राइवेट बैंक्स आर मोर प्रॉफिटेबल देन पब्लिक सेक्टर बैंक, ये तो बिल्कुल ही जनरल टॉपिक है। इसके बाद भी टॉपिक्स हैं लेकिन मैं इन पे थोड़ा सा फोकस करूंगा अभी GST पे। सबसे पहले आपने कोई भी ऐसे लिखना है, पहले उसका इंट्रो लिखना है, उसके बाद उसके प्रॉज एंड कॉन्स लिख देने हैं, प्रॉज एंड कॉन्स। फिर उसके बाद अगर कोई इसमें कोई प्रॉब्लम और उसके बाद उसका सोल्यूशन देना है। कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बताइए उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। अपना ओपिनियन दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अपना ओपिनियन सामने रखना, और एंड में इसको कंक्लूड कर दीजिए, कंक्लूजन। ये हमारे पास कोई भी आपने ऐसे लिखना है तो 300, वैसे तो नॉर्मली ये होता है 300 वर्ड में लिखने को बोलते हैं आपको, ऐसे 300 वर्ड का एक लिमिट होता है जिसमें आपको ऐसे लिखना होता है, और लेटर राइटिंग 100 वर्ड का होता है। अभी आपको 300 वर्ड को भी इन 5 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, 5 या 4। इंट्रो लिखना बहुत जरूरी है, कंक्लूजन लिखना जरूरी है, और अपना ओपिनियन देना भी जरूरी है। ये एक ऑब्जेक्टिव या एप्टीट्यूड पेपर नहीं है, इसमें जो एग्जामिनर है वो जानना चाहता है कि आपका ओपिनियन एक्चुअल में है क्या। आप अपना ओपिनियन दीजिए यहाँ पे। ऑब्वियसली जब आप इंट्रो बताएंगे GST की, आप इंट्रो बताएंगे कि कितनी देर से इस पे काम हो रहा है। GST पहली बात है क्या, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, तो इस कौन से टाइप का टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ओके, तो कैसे लगेगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, अगर स्टेट के पास जाएगा तो कितना जाएगा, सेंटर के पास जाएगा तो कितना जाएगा, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इसका जो पेपर वर्क कितना है, सुना जा रहा है, सुनने में आया है 39 रिटर्न भरनी पड़ेगी हर महीने, 3-3 रिटर्न भरनी पड़ेंगी, तो बहुत कुछ है इसमें। तो जो पहले के टैक्सेस हैं उसका क्या होगा, क्या कस्टम ड्यूटी निकाली जाएगी, तो ये तो पहली बात होगी इंट्रो में, GST के इंट्रो की बात कर रहा हूँ। प्रॉज एंड कॉन्स में अगर आप आ जाएं तो इसके फायदे क्या हैं GST के, फायदे पहले तो ये आ जाते हैं कि बहुत सारा अभी क्या है कि क्लियर नहीं है कुछ भी, बहुत सारे टैक्सेस हैं, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, पहले सामान को बनाने के लिए एक्साइज ड्यूटी लगती है, फिर बेचने के लिए सेल्स टैक्स और वैट लगता है, सर्विस टैक्स अलग से लगता है, बहुत सारे टैक्सेस हैं, और एक ही सामान को बेचने में 3-4 तरह के टैक्सेस लग जाते हैं। तो आम जनता है, जो आम कस्टमर है, वो कंफ्यूज है कि हम करें तो करें क्या। तो इस प्रॉब्लम को एक्चुअली सॉल्व करने के लिए GST का इजाद किया गया है।
तो ये तो इसके प्रॉज हो गए कि बहुत आसान कर देगा ये चीजों को, लोगों को एक्चुअली पता होगा कि वो कितना टैक्स दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं और कैसे, बहुत सिंपलीफाई आम जनता भी पूरे टैक्सेशन सिस्टम को समझ पाएगी आसानी से। ये तो इसके भाई हो गए फायदे कि आसान हो गया काम, हमें सब पता है कि क्या होगा और एक्चुअल में टैक्स कम होने वाला। आज की रेट में आप कुछ भी परचेज कर रहे हैं 27-28% टैक्स होता है, लेकिन जीएसटी में मैक्सिमम 18% अभी तक 18 का अभी तक मैक्सिमम स्लैब है, कुछ चीजों पे 5 है, कुछ चीजों पे 0 है, तो टैक्स एक्चुअल में कम होने वाला है, तो और टैक्स का इवेजन भी कम होगा। तो ये सब इसके प्रॉन्स आ गए। कॉन्स में क्या है कि चेंज करना बहुत मुश्किल है, अभी सारे जो अकाउंट्स के लोग हैं सीए वगैरह उनको नया सीखना पड़ेगा, और जो बिजनेसमैन है उनको भी थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा कि क्या है कैसे है, उनको जानकारी लेनी पड़ेगी, तो ऊपर से महीने की 4-4 रिटर्न्स भरनी पड़ेंगी, महीने की 4 रिटर्न, सेल की अलग रिटर्न, परचेज की अलग रिटर्न, एक टोटल की रिटर्न है, उसके बाद हर क्वार्टर में एक रिटर्न अलग जाएगी और हर एक एनुअल रिटर्न्स अलग जाएंगी, क्वार्टर में 4 रिटर्न्स जाएंगी एक्चुअली। तो ये पेपर वर्क बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो ये सब इसके कॉन्स आ जाते हैं। तो कौन सी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम थी कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं था, सोल्यूशन ये जीएसटी ने दे दिया, इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया जी। आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या आप सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ, क्या आप सोचते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ, ये आपने अपना ओपिनियन देना है यहाँ पे, और एंड में कंक्लूड करना कि अपने ओपिनियन के हिसाब से आपने इसको कंक्लूड कर देना है। तो पहला तो इम्पोर्टेंट टॉपिक जीएसटी, बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है। दूसरा डीमोनेटाइजेशन का पूरे इंडिया को हिला के रख दिया था मोदी साहब ने, तो डीमोनेटाइजेशन के क्या फायदे हुए क्या नुकसान हुए, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगा। एक मैंने आर्टिकल लिखा था बहुत अच्छा, प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन, डिटेल में लिखा था, उसका मैं लिंक दे रहा हूँ, जरूर देखें। उसके बाद आरटीआई बहुत एक अच्छा टूल है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी अब सरकारी डिपार्टमेंट में किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ ऑफिस में एक लड़की जो एक राइटर थी, उसका डिग्री नहीं आ रहा था यूनिवर्सिटी से, उसने रीवैल्यूएशन कुछ ऐसा कुछ था, उसका पंगा था, उसका जो रिजल्ट था वो लेट था, और वो यूनिवर्सिटी तक जा रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी, और उसको उसका डिग्री नहीं मिल रहा था, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, उसने आरटीआई फाइल कर दी। 5 चक्कर लगाने के बाद कुछ नहीं हुआ, 1 आरटीआई लगाने के बाद सब कुछ हो गया। तो एक आरटीआई का एक इम्पैक्ट है, अच्छा इम्पैक्ट है, करप्शन दूर हो रही है, नहीं तो उसके पैसे लगते, तो पैसे नहीं लगे, तो आरटीआई से काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। तो आपको डिटेल में अगर लिखना है तो इसकी इंट्रो लिखनी पड़ेगी, एक्ट कैसे बना, इसका किसने बनाया, क्या इसका रीज़न था, कैसे कैसे, ये सारा इंट्रो लिखेंगे, इसके प्रॉस क्या हैं। प्रॉस तो ऑब्वियसली करप्शन दूर हो रही है, आम लोगों को बहुत फ़ायदा है, अफसरशाही खत्म हो रही है, ब्यूरोक्रेसी खत्म हो रही है। कौन इसके क्या आएंगे, कौन से ऑब्वियसली ये आएंगे ना कि अफसरों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, पहले आराम से बैठे रहते थे, अब पता नहीं ये काम वो काम बहुत कुछ करना पड़ता है। तो एक प्रॉब्लम का इसने सोल्यूशन दिया कि अफसरशाही को थोड़ा सा इसने कम कर दिया, ये इसका सोल्यूशन है। ओपिनियन ये आपका खुद का ओपिनियन है, कंक्लूड भी आपने जैसा आपने पूरा लिखा है उसी के हिसाब से आप इसको कंक्लूड करेंगे। तो उसके बाद बात करते हैं रेस ऑफ मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स अमंग कंट्रीज। तो आज की डेट में जैसे मैंने पहले भी लेटर राइटिंग वाले में भी मैंने वीडियो में डिस्कस किया था कि रेस ऑफ मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स अमंग कंट्रीज, आज की डेट में आप देखें हर कंट्री, हर एक बड़ी कंट्री न्यूक्लियर जो वेपन्स है उसका टेस्टिंग कर रही है, इंक्लूडिंग इंडिया, नॉर्थ कोरिया, अमेरिका, पाकिस्तान, ये सब लोग, रशिया, ये सब लोग न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं अपनी ताकत दिखाने के लिए पड़ोसी देशों को, इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है जो वो तो चाइना का और हम लोगों का नेबर भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी वहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं और यहाँ मतलब चाइना के लोगों को डरा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, ये अपनी एक पावर बढ़ाने के लिए, या आप कह लीजिए कि जिसके पास ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल नेशन है, ये डेफिनेशन हो चुकी है पावरफुल की आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में। तो इसका क्या मतलब, पहला इंट्रोडक्शन तो जो मैंने बोला वही है, प्रॉज एंड कॉन्स क्या, प्रॉज ये है कि छोटी कंट्रीज हैं उसको एक सेफ्टी मिलती है। आज की डेट में अगर चाइना सोचे कि मुझे नेपाल पर पूरा कब्जा करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसे सोच नहीं रहे हैं, लेकिन अगर नेपाल एक न्यूक्लियर नेशन होता तो कभी भी कोई कब्जा करने की कोशिश करता तो उनके पास एक सिक्योरिटी है कि ठीक है हम तो न्यूक्लियर नेशन है, अगर हमारा एंड होगा तो हम ये अटैक कर देंगे आपकी कंट्री पे। तो ये इसका एक फायदा है, एक लौता फायदा जो होना चाहिए फायदा, लेकिन अभी फायदा रहा नहीं है। और कॉन्स आपको पता ही है, मास डिस्ट्रक्शन है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो ये इसके प्रोज एंड कॉन्स भी आ जाते हैं। वाई प्राइवेट बैंक्स आर मोर प्रॉफिटेबल देन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इसकी अगेन आपने इंट्रो लिखनी है कि किसमें आपका एनपीएस ज़्यादा है, किसमें
एनपीए ज्यादा आ रहा है आपका, क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक में एनपीए ज्यादा, वैसे तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना है, इसी फॉर्मेट के हिसाब से लिखना है, इंट्रो, प्रोस एंड कॉन्स, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, ओपिनियन, कंक्लूजन, इसी फॉर्मेट के हिसाब से। थोड़ा सा पॉइंट बता देता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में टारगेट्स होते हैं, लोग अपने टारगेट के हिसाब से काम करते हैं, और जबकि पब्लिक सेक्टर जो बैंक है उसमें कुछ ऐसा टारगेट वगैरह का काम नहीं होता, आईडीबीआई में होता है, लेकिन अभी उन पे भी बुरा हाल ही है उनका भी। तो एक एक पॉइंट आपने पकड़ पकड़ के लिखना है कि पब्लिक सेक्टर बैंक आपको क्यों लगता है कि इतना प्रॉफिटेबल नहीं है जितना प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हर एक जो इम्प्लॉय होता है, हर एक मैनेजर होता है, वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल करी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एफडीज नहीं सेविंग अकाउंट ज़्यादा खोलें, उसमें अमाउंट लोग ज़्यादा भर रखें अपना। तो ये सब इसका आपको इसके बारे में डिटेल में लिखना पड़ेगा। ये पांच पॉइंट आप लिख के रख लें, इंट्रोडक्शन, प्रोस एंड कॉन्स, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, ओपिनियन एंड कंक्लूजन, पैराग्राफ बना के लिखें, लेकिन पैराग्राफ के पॉइंट नंबर मत लिखें, ऐसा मत करें कि नंबर वन इंट्रो, नंबर टू प्रोस, ऐसे नहीं, पूरा पैराग्राफ में लिखना है आपने। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, हाउ सोशल मीडिया इज स्ट्रेंथनिंग द इंडियन डेमोक्रेसी। सोशल मीडिया, फेसबुक है, ट्विटर है, ये कैसे स्ट्रेंथन कर रहा है, अगर आपको इसके बारे में लिखना है तो सबसे पहले जैसे निर्भया का एक हुआ था, कांड हुआ था, एक निर्भया का केस आया था, तो उस केस के बारे में अगर आप लिखने बैठेंगे, सोशल मीडिया पे बहुत शेयर किया गया, उसकी वजह से सोशल मीडिया के कारण बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, तो उसके कारण लॉज भी बने, तो ये सोशल मीडिया ने बहुत क्या कहते हैं डेमोक्रेसी में इसका एक इसको फायदा पहुंचाया। वही बात आ जाती है कि इंट्रोडक्शन क्या है, पहली बात तो सोशल मीडिया है क्या, What is social media? What is social media? और इसका impact क्या है, social media है क्या, खाली Facebook social media नहीं है, social media में WhatsApp, अपना Instagram, आप Snapchat तक सब कुछ, ये जो अपनी online websites हैं, ये सब social media का एक part है, even जो छोटे छोटे blogs हैं हम लोगों के, जैसे blogs हैं, YouTube है, ये भी एक social media, हम अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ मैं, ये भी एक सोशल मीडिया है। अगर मुझे कुछ अपनी बात आगे रखनी है बैंक एग्जाम्स को अगर नहीं करते बात, तो अगर 2,000-5,000 लोग देख लेते हैं तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो निकल के आता है ना, तो ये एक सोशल मीडिया है। तो इसकी इंट्रोडक्शन लिखनी है, प्रॉज एंड कॉन्स लिखने हैं। प्रॉज में यही आ जाता है कि आम जनता, पब्लिक जागृति होती है, आम जनता जो है इकट्ठी होके आती है, पॉलिटिशियन को फोर्स किया जाता है, अगर वो एक्शंस नहीं लेते, किसी गलत चीज़ हो रही है तो उस पर एक्शन नहीं लेते तो उनको लेना पड़ता है। कॉन्स क्या है, अभी कश्मीर में जैसे व्हाट्सएप वगैरह का मिसयूज़ हो रहा था, अभी इंटरनेट भी बंद करवाया, तो वो सब चीज़ों का आप कह लीजिए कि वो कॉन्स में आ जाता है। बाकी आपको अपना ओपिनियन देना है, अपना कंक्लूजन देना है, वो आपके अपने पे। उसके बाद फ्यूचर ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। आईटी इंडस्ट्री आज की डेट में, आफ्टर जब से अमेरिका में ट्रंप साहब आया, उन्होंने बोला कि अमेरिका का जो सारा काम है, अमेरिका की सारी जॉब्स अब अमेरिका में रहेंगी। तो पहले क्या होता था, H1B वीज़ा होता था। हमारे यहाँ की कंपनीज क्या करती थी, बहुत समझदार लोग हैं ये, इन्फोसिस, विप्रो, ETC, सब लोग बहुत समझदार हैं, ये क्या करते थे, उन लोगों का जो यहाँ के लोग थे, इंडियन डेवलपर्स थे, प्रोग्रामर्स, इनको कम सैलरीज देके यूएसए में ले जाते थे ये लोग, H1B वीजा के नाम पे और ऑन साइट के नाम पे यूएसए में काम करवाते थे इंडियन सैलरीज देके। सैलरी इंडियन देनी है लेकिन काम यूएसए में करवाना है, लेकिन अगर यूएसए के बंदे को बिठा के काम करवाएंगे तो भाई इतना तो वहाँ तो पैसा बहुत लग जाएगा, यहाँ के बंदे को कम पैसा देना है। तो ये एक स्कीम लगा रहे थे इंडियन आईटी इंडस्ट्री वाले, जो अभी बंद कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आईटी इंडस्ट्री की, H1B वीजा वाली। दूसरी, ऑटोमेशन हो रहा है, पहले जो काम उसमें होता था, क्या कहते हैं आप, पहले जो काम उस पर होता था जो लोग करते थे, जैसे बहुत सारे डेवलपर्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने सारी जिंदगी एक कोड तक नहीं लिखा होता, कस्टमर सपोर्ट ही करते रह जाते हैं, कस्टमर टिकट ही करते रह जाते हैं, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है तो कहाँ जाएंगे ये लोग, तो ये लोग ऑब्वियसली ले ऑफ होंगे, निकाले जाएंगे, ऑटोमेशन हो रहा है। अभी क्या होगा, अगर किसी कंपनी में आज से आने वाले 5-7-10 सालों में क्या होगा कि अगर किसी कंपनी में 10,000 लोग काम करते हैं तो उसमें 2-3 हज़ार लोग रह जाएंगे, 5,000 लोग रह जाएंगे, बस काम उतना ही होगा क्योंकि ऑटोमेशन आ चुका है। लोग एमएस एक्सेल को कम यूज़ करेंगे, लोग बहुत कस्टमर सपोर्ट वगैरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हो जाया करेगा। तो ये एक पॉइंट निकल के आता है,
बाकी भी इसका कंक्लूजन लिखें, आप इसके हक में हैं, इसके अगेंस्ट हैं, ये सब आप लिखें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक अच्छी बहुत अच्छी वीडियो बना चुका हूँ, एनिमेटेड वीडियो बनाया था मैंने, शौक शौक में हम लोगों ने बना दिए थे 5-6 वीडियोज बहुत जम के। तो ये वीडियो का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, मुद्रा योजना बहुत अच्छा हमने ये एक वीडियो बनाया, तो उसका मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। डू यू थिंक इंडिया शुड अपोज वन चाइना पॉलिसी, इसमें एक बहुत एक आपको स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। पहले आपको पता होना चाहिए कि चाइना वन पॉलिसी क्या है। चाइना के हिसाब से जो तिब्बत है या साउथ चाइना का जो काफ़ी पोर्शन है, तो चाइना के हिसाब से जो आज से 5000 साल पहले चाइना माना जाता था, लेकिन अभी ताइवान बन गया है, तिब्बत बन गया है, तो अलग अलग ये अलग हो चुके हैं लोग। चाइना चाहता है कि ये सब फिर से एक हो जाए, क्योंकि अभी चाइना सुपर पावर बन चुका है, उनके पास बहुत पैसा आ चुका है, रिसोर्सेज हैं, तो अभी अपना ये पावर का इस्तेमाल करके आसपास के जो पहले अलग हो गए थे वो ताइवान वगैरह को अपने साथ लाना चाहता है, एक ताकि चाइना के जो मेन बीजिंग से सारा कंट्रोल हो। तो इंडिया का क्या स्टैंड है, इंट्रोडक्शन में तो अपने चाइना वन पॉलिसी को एक्सप्लेन कर दिया, इसके प्रॉस क्या है, आज की डेट में वो ताइवान मांग रहे हैं, साथ में तिब्बत मांग रहे हैं, कल को वो अरुणाचल प्रदेश मांगेंगे, तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है, परसों को कहेंगे कश्मीर ही चाइना का पार्ट है। ये इंडिया का स्टैंड है कि इंडिया अगेंस्ट होगा, ऑब्वियसली अगेंस्ट नहीं है, एज ऑफ नाउ तो न्यूट्रल पोजिशन बना के बैठे हुए हैं कि कुछ हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अगर स्टैंड लेते हैं तो ऐसा स्टैंड लेना चाहिए। अगले टॉपिक्स पे आते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑफ इंडियन कल्चर, ये मैं ऑलरेडी आई थिंक एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सोशल मीडिया का इंडियन कल्चर पे क्या फर्क पड़ रहा है। पहली बात तो ड्रेसिंग से, पहले थोड़ा सोशल मीडिया को एक्सप्लेन कर देंगे, साथ में इंडियन कल्चर को एक्सप्लेन कर देंगे कि हमारे कल्चर में ऐसा होता था, लोग साड़ियाँ पहनते थे, ऐसे होता था, लेकिन अब क्या हो गया, अब ये हो चुका है कि लोग सोशल मीडिया पे लोगों को देखते हैं कि पूरी दुनिया में लोग कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसे जूते पहन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या खा रहे हैं। इवन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया ने लोगों की ईटिंग हैबिट्स पे बहुत बड़ा असर डाला है। सोशल मीडिया में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स चलती हैं और ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज KFC मैकडोनल्ड्स, तो उनके सक्सेसफुल होने में सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है, ये उनको बहुत पॉजिटिवली दिखाते हैं। तो उन सब से नॉट जस्ट कपड़ों पे से लेके कपड़ों पे, आपकी खाने पीने की चीज़ों पे, आप कैसा वर्कआउट करते हैं, आप जिम जाने लग गए हैं, योगा क्यों नहीं करते, अगर आपको सारा दिन दिखाया जाए कि योगा अच्छी चीज़ है और जिम जाना अच्छी चीज़ नहीं है, तो आप योगा करेंगे। तो ये सब चीज़ों का इंडियन कल्चर पे बहुत फर्क पड़ा है, ये आप पॉइंट लिख सकते हैं इंडियन कल्चर पे। इंटरनेट सिक्योरिटी, आजकल रैंसमवेयर जो आया है वानाक्राई, तो बहुत पॉपुलर चल रहा है, बहुत लोग इसके बारे में लिख रहे हैं, बहुत सारे दुनिया के कंप्यूटर इससे प्रभावित हुए हैं। तो इसके बारे में एक क्वेश्चन आना, ऐसे राइटिंग आना एक बहुत लाजमी है कि इसके बारे में बिल्कुल आएगा, बिल्कुल मैं कहता हूँ इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स, इसके बारे में लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से, इसमें इंट्रो जब आप लिखेंगे इसकी, इंट्रोडक्शन लिखेंगे इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स की, सबसे पहले आप लिखेंगे कि टाइप्स क्या हैं, कि क्या होता है, टाइप्स क्या है, वायरस होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, रैंसमवेयर होते हैं, मालवेयर होते हैं, तो ये सब आपको टाइप्स लिखनी पड़ेंगी। पहले टाइप्स लिख देंगे, फिर ये वर्किंग कैसे होती है, क्या क्या होता है, कैसे कैसे, इसका एक्चुअली इंट्रोडक्शन बहुत, अगर 300 वर्ड का लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन ही बहुत लंबा चले जाएगा कि ये टाइप्स हैं, ये इसकी वर्किंग है, इसका ये नुकसान हो सकता है, ये कैसे कैसे हो सकता है, रैंसमवेयर क्या चीज़ है, उसमें ऐसे रैंसम मांगी जाती है, डेटा लॉक हो जाता है, वायरस क्या है, वो मल्टीप्लाई होता है, वॉर्म्स क्या है, ये सब इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। प्रॉस तो कोई है नहीं इसका, तो प्लीज़ इसके फेवर में मत लिखिए कौन सी है, इसके एंड में अपना ओपिनियन इसका एक, इसमें प्रॉस एंड कॉन्स नहीं आएंगे, इसमें प्रॉब्लम है, ये एक पूरी प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन आपको बताना पड़ेगा कि हैकर्स के ग्रुप को इंडियन गवर्नमेंट को ऐसे प्रमोट करना चाहिए कि जो छोटे मोटे हैकर्स हैं, एथिकल हैकर्स हैं, उनको प्रमोट करें, या जो जो क्या कहते हैं साइबर सिक्योरिटी की कंपनीज हैं उनको प्रमोट किया जाए, उनको और जो सरकारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनको सिक्योर किया जाए, तो ये सब है। और इम्पैक्ट ऑफ NPA ऑन बैंकिंग सेक्टर, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस साल का NPA, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये NPA। विजय माल्या साहब तो पिछले साल से ही न्यूज़ में चल रहे हैं, अभी सहारा जो हैं वो भी, सुब्रत रॉय सहारा, वो भी बहुत, ये दो लोगों ने बहुत हड़कंप मचाया हुआ है बैंकिंग इंडस्ट्री में,
तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है इन दोनों लोगों के बारे में और एनपीए के बारे में तो प्लीज पढ़िए। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि एनपीए होता क्या है, एनपीए की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा इस आर्टिकल का कि एनपीए एग्जैक्टली होता क्या है। पूरा एग्जैक्टली टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा कि एनपीए क्या होता है, इसके नुकसान है, कितने कौन से लेवल तक एनपीए होना चाहिए, इसके प्रॉस तो कोई है नहीं, कौन है ये, एक प्रॉब्लम है एनपीए और इसका सोल्यूशन क्या है। अगर तो एक जनरल टॉपिक आता है या तो आप उसके प्रोज एंड कॉन्स लिखते हैं, अगर तो नुकसान वाली चीज है तो ये एक प्रॉब्लम है क्या और इसका सोल्यूशन है क्या, और एंड में इसका ओपिनियन। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, ये फिर से वो वन चाइना वन पॉलिसी वाला आ गया जो पहले मैंने बता चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा। तो चलिए मेरी तरफ से कुछ टिप्स लेकर जाइए जाते जाते कि आपको एक एसे है वो कैसे लिखना चाहिए। सबसे पहली बात, प्लानिंग। प्लानिंग करके चलिए, वर्ड्स शुरू से ये मत कीजिए कि आपने 100 वर्ड लिख दिए, 200 वर्ड लिख दिए, आप सोच रहे हैं यार ये तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, कंक्लूजन आपका ऐसे के बीच में ही आ रहा है तो क्या फायदा हुआ। आपको प्लान करके चलना पड़ेगा कि मुझे ऐसे ऐसे लिखना है। प्लान करके चलिए और पूरा एक सर्कल बनाइए कि आपको पहले लिखना है इंट्रोडक्शन, फिर प्रॉज एंड कॉन्स, या प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस। आपका खुद का ओपिनियन क्या है और एंड में आपका कंक्लूजन। इस फॉर्मेट में चलेंगे तो बहुत बहुत सही लिखेगा जाएगा। अगर मैं भी अपना कोई आर्टिकल भी लिखता हूँ वेबसाइट्स पे तो मैं यही फॉर्मेट को फॉलो करता हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर प्रॉस एंड कॉन्स। अगर प्रॉस एंड कॉन्स नहीं है, ये कोई गलत चीज़ के बारे में लिख रहे हैं आप, कंप्यूटर वायरस के बारे में, इंटरनेट सिक्योरिटीज के बारे में, नेशनल थ्रेट्स के बारे में लिख रहे हैं, तो प्रॉब्लम है एक और इसका सोल्यूशन क्या है, फिर ओपिनियन, उसके बाद कंक्लूजन। ये चीज़ें लिख लें। और जो एक कॉमन चीज़ें हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करें, ग्रामर मिस्टेक्स अलाउड नहीं है, बिल्कुल नहीं करनी। आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी, ये बिल्कुल ही काट रहा हूँ मैं। ग्रामर मिस्टेक्स या स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल भी मत करें, पूरा प्लानिंग से करें, पूरा एक फॉर्मेट के हिसाब से चलें। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट, टॉपिक सिलेक्शन। टॉपिक की सिलेक्शन जब आप कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप तीन आपको ऑप्शंस मिलती हैं, तीन में से एक चुनना है। दो टाइप के होते हैं ऐसे, एक जनरल होता है, एक टेक्निकल होता है। टेक्निकल बोले तो टेक्निकल मतलब आप कह लीजिए कि जीएसटी जैसे एक थोड़ा टेक्निकल है, आपको पता होना चाहिए। चाइना वन जैसे है, ये चाइना वन पॉलिसी वाला था, ये भी एक टेक्निकल था टॉपिक। अगर आप टेक्निकल लिख रहे हैं, अगर आपको टेक्निकल की जो उस टॉपिक की नॉलेज नहीं है तो मत कीजिए, तो जनरल कीजिए। जनरल में आ जाता है जैसे कि सरकारी बैंकों को इतना प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है, प्राइवेट बैंक इतने प्रॉफिट में क्यों चल रहे हैं, तो ये एक टॉपिक सिलेक्शन की बात आ जाती है। तो चलिए लास्ट में आपको मैं एक ये चीज़ कहना चाहूँगा, इसको कंक्लूड करते हैं। अगर आपने मेरा ये एप्लीकेशन है, मैंने बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, जीके डाइजेस्ट, अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो इसको प्लीज़ इंस्टॉल कर लें। मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे नोट्स, बहुत सारी आरबीआई ग्रेड बी के बारे में आजकल मैं बहुत लिख रहा हूँ, SBI PO मेंस के बारे में बहुत कुछ लिख रहा हूँ। तो ये जीके डाइजेस्ट मेरी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, जीके की एप्लीकेशन मैंने बनाई है, ये प्लीज इंस्टॉल कर लें। और इसमें मैं इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट सबके अच्छे अच्छे क्विज डाल रहा हूँ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, तो ये प्लीज इंस्टॉल कीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो नीचे कॉमेंट कीजिए, और इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। लाइक करना बहुत जरूरी है, लाइक नहीं करेंगे तो कुछ फायदा नहीं है मेरा ये वीडियो बनाने का। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट के बिना नहीं चलेगा। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया और आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा ईमेल आईडी है, raman@bankexamstoday। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है रमनदीप सिंह और आप देख रहे थे bankexamstoday.com का यूट्यूब चैनल। सो बाय बाय।